आते 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 तेरी याद आ गई। अनीता राज के बेटे की पर्सनालिटी है रणबीर शाहिद से भी दमदार। फोटो देख फैंस बोले, ये तो धर्मेंद्र लगता है। अनीता राज की बेटी शिवम को देखने के बाद कई लोगों को बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र की याद सी आ गई। गौरतलब है कि एक टाइम में धर्मेंद्र और अनीता राज अच्छे दोस्त हुआ करते थे और दोनों की साथ में फिल्म नौकर बीवी का सुपर डुपर हिट भी हुई थी। अनीता राज बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी है। 61 साल की उम्र में भी एक्ट्रेस खुद को बेहद फिट रखती है। 80 के दशक में अनीता राज का बॉलीवुड में बोलबाला हुआ करता था। अनीता राज ने अपने करियर की शुरुआत 1982 की फिल्म प्रेम गीत से की। भले ही अब एक्ट्रेस बड़े पर्दे से दूर है, लेकिन छोटे पर्दे पर ये काफी ज्यादा एक्टिव देखी जाती है। अनीता सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती है। अनीता ने साल 1992 में सुनील हिंगोर रानी से शादी की थी, जिनसे उन्हें शिवम नाम का बेटा हुआ और आज हम आपकी मुलाकात शिवम से ही करवाने वाले हैं। अनीता राज के बेटे का नाम शिवम है। शिवम की पर्सनालिटी किसी बॉलीवुड के हीरो से कम नहीं है। वो दिखने में लंबे चौड़े और स्मार्ट है। हालांकि शिवम फिल्म इंडस्ट्री से दूर है, लेकिन उन्हें देखने के बाद कोई भी कहेगा कि उन्हें फिल्मों में होना चाहिए। शिवम ने 2020 में अपने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रेनू ओबराय से शादी रचाई थी। अनीता राय की बेटी शिवम को देखने के बाद कई लोगों को बॉलीवुड हीरो अभिनेता धर्मेंद्र की याद आ गई। लोग उनकी तुलना धर्मेंद्र के गुड लुक से कर रहे हैं। गौरतलब है कि एक टाइम में धर्मेंद्र और अनीता अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों के साथ में फिल्म नौकर बीवी का सुपर डुपर हिट भी हुई। बात करें अनीता राज की तो वो अभिनेता जगदीश राज की बेटी हैं। वो कई सारी फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में नजर आए थे। जगदीश अब इस दुनिया में नहीं है। 28 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया। अनीता राज की गुलामी, नौकर बीवी का, करिश्मा कुदरत का, जानकी बाजी, सत्यमेव जयते मशहूर फिल्में हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस आशिकी, ईना मीना डी का, 24 जैसे टीवी शोज में भी दिखाई दी हैं। तो कैसे लगे आपको अनीता राज के बेटे शिवम, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।